सो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3C। इसमें हम एक्सरसाइज 3 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो क्लास 8 के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग यूजिंग द कॉलम मेथड। बच्चों, आपको कॉलम मेथड के द्वारा आपको स्क्वायर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इसका वैल्यू, जो ये 23 का स्क्वायर है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये 3 कॉलम 1, 2 एंड 3 कॉलम्स बना लेंगे। 2 को हम ए मानेंगे, 2 को ए मानेंगे और बी को 3 मानेंगे। उसके बाद ये एक फार्मूला हम बताए हुए आपको, ए स्क्वायर इंटू 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर हो गया, 2ab की जगह 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, और बी स्क्वायर चूँकि हम 3 माने हैं इसलिए 3 का स्क्वायर हो गया। जब 3 का स्क्वायर हुआ तो 9 हुआ, जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 12 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 हुआ। अब बच्चों ध्यान से देखिए, करना क्या है हमको, पहले सबसे पहले जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम से स्टार्ट करते हैं। थर्ड कॉलम कितना हुआ, 9। तो 9 यूनिट प्लेस पर है और 10th प्लेस पर क्या है, 0। तो पहले हम यूनिट प्लेस को हम मार्क कर लेंगे, जिस तरह हम यहाँ पर मार्क कर लिए। तो 10th प्लेस पर क्या है, 0। तो उस 10th 0 को हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले कॉलम में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12। फिर हम यूनिट प्लेस को हम मार्क कर लेंगे और 10th प्लेस पर कितना आया, 1। उस 1 को हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में ऐड करेंगे। तो जब कॉलम 1 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एंड 1 5। अब हम क्या करेंगे, 5 को भी मार्क कर लेंगे। जब हम 5 को मार्क करेंगे तो हमारा 23 का स्क्वायर होगा। अब जो नंबर को हम मार्क किए हैं, उस सब सारे नंबर को हम लिख लेंगे। पहले हम 5 को मार्क इधर से लिखेंगे, 5 2 9, यही इसका स्क्वायर हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलें। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 35 का स्क्वायर। तो ए को हम 3 मानेंगे और बी को 5 मानेंगे। बी को क्या कर लिए, 5 ऐड कर लिए। तो अब जैसा क्वेश्चन बताया गया, 3 कॉलम है, पहले हमें ए स्क्वायर, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, 2ab 2 इंटू 3 इंटू 5, बी स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं क्या, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 जा 30 एंड 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9। अब क्या करेंगे हम, जैसा कि पहले इससे पहले के क्वेश्चन में हमने बताया कि 1 प्लेस को हम मार्क कर लेंगे और सेकेंड प्लेस पर क्या है, 2। तो 2 हम क्या करेंगे, सेकेंड ये जो कॉलम है इसमें हम 2 ऐड कर देंगे। जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32। फिर हम इसमें 1 प्लेस पर जो डिजिट है उसे हम मार्क कर लेंगे और 10th प्लेस पर क्या है, 3। वो 3 फिर हम फर्स्ट वाले कॉलम के साथ, इसके साथ हम ऐड करेंगे। तो 9 एंड 3 12, देन नाउ 35 स्क्वायर इसका टू। अब हम जो सब मार्क किए हैं वो हम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, 12 इसका 2 एंड इसका 5, ये आंसर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो योर थर्ड क्वेश्चन इज 52 स्क्वायर। तो जैसा पहले क्वेश्चन में हम बनाए हैं, ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 2। सो फर्स्ट कॉलम हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर दैट मीन्स 5 का स्क्वायर, 2ab दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 2 एंड बी स्क्वायर दैट मीन्स 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 2 जा 20 एंड 2 2 4। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब चूंकि इसमें 1 प्लेस पर क्या है, 4, 10th प्लेस पर क्या है बच्चों, 0। तो हम क्या किए हैं, सेकेंड कॉलम हम क्या करते हैं, 10th प्लेस को ऐड करते हैं। तो इसमें 0 है तो 10th प्लेस इसमें हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। तो हम 1 प्लेस को फिर मार्क कर लेंगे, 10th प्लेस पर फिर क्या है, 2। ये 2 हम फिर फर्स्ट कॉलम में ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 27। सो 52 स्क्वायर इक्वल टू 2 7 0 4, आंसर। अब हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4, ए स्क्वायर दैट मीन्स 9 का स्क्वायर होता है 81, 2ab यानी 2 इंटू 6 इंटू 9
ये हो जाएगा 108 एंड बी का स्क्वायर दैट मीन 6 का स्क्वायर ये हो गया 36। अब हम देखते हैं क्या, अब देखिए पहले हम बता चुके आपको वंस प्लेस को हम मार्क कर लेते हैं, 6 को हम मार्क कर लिए तो हमारा टेंथ प्लेस क्या है 3 हम इसमें ऐड करेंगे। 3 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा 8 3 1 1 1। अब हम इसमें क्या देख रहे हैं, फिर हम इसमें वंस प्लेस को सेकेंड कॉलम के वंस प्लेस को मार्क कर लेंगे, बाकी कितने बचे 11। तो इस 11 को बच्चों इस 11 को क्या करेंगे हम वन कॉलम के साथ ऐड करेंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ ऐड करेंगे, तब हम इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 2 1 एंड 9, इस दोनों को हम मार्क कर लेंगे। देन नाउ 96 स्क्वायर इक्वल टू 9 2 1 एंड 6। बच्चों अब हम नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं जो कि आपके लिए एकदम नया है। तो क्या क्वेश्चन है वो पहले पढ़ लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग, नीचे कुछ दिए हुए हैं उसका वैल्यू फाइंड करना है यूजिंग डायगोनल मेथड, डायगोनल मेथड के द्वारा। तो सबसे पहले जब भी हम क्या कह रहा क्वेश्चन कि स्क्वायर हमको फाइंड करना, तो क्या दिया है 67 का स्क्वायर, तो हम क्या करें सबसे पहले 4 बॉक्स बना लेंगे, 4 बॉक्स बना लिए और इसमें जैसे 6 7 ये जो दिया हुआ है इसको हम हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली दोनों तरफ लिख लेंगे, जैसे यहाँ 6 लिख लिए यहाँ 7 लिख लिए, यहाँ 6 लिख लिए यहाँ 7 लिख लिए, दोनों तरफ हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरफ लिख लिए। अब इस चारों ये जो चारों बॉक्स हैं इसको सब बॉक्स में डिवाइड कर लेंगे, सब बॉक्स में डिवाइड कर लिए, कुछ नहीं एकदम आसान है बच्चों, बस थोड़ा ध्यान से देखना है। अब हम क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे देखिए यहाँ हम क्या लिखते हैं 6 6 आर 36, तो 36 में 3 और 6 होता है, बच्चों ध्यान से सुनिए 36 में 3 और 6 होता है, तो 6 क्या करेंगे हम सब बॉक्स में लिखेंगे 6 एंड 3 यहाँ लिखेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 7 42 42 बच्चों, तो 2 हम यहाँ लिखेंगे एंड 4 यहाँ लिखेंगे, अब ये हो गया। अब इसे करेंगे 7 6 42, 2 हम यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे, फिर इसको करेंगे 7 7 49 9 इस कॉलम में एंड 4 इस कॉलम में। अब क्या करेंगे बच्चों, अब बच्चों बिलो नीचे से क्या करेंगे जो भी डायगोनल्स है उसका हम सम करते जाएंगे, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ 9 है, ये डायगोनल्स है इसको हम सम करेंगे तो कितना होगा 9, देखते रहिए ध्यान से देखिए आप लोग 9, इसे हम क्या करेंगे मार्क कर लेंगे अंडरलाइन कर लिए। अब देखिए बच्चों ये एक डायगोनल है, देख रहे हैं इस बीच में जो नंबर है, अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 4 6 और 2 8, तो यहाँ हम क्या करेंगे 8 लिख लेंगे, वंस प्लेस पर है इसे भी हम मार्क कर लेंगे। अब देखो देखिए बच्चों अब डायगोनल्स के ऊपर क्या है ये नंबर आ रहा है, देखिए देख सकते हैं आप ऐसे, अब इसे ऐड करेंगे तो 6 4 10 एंड 4 14, तो यहाँ हम क्या करेंगे 40 लिखेंगे, क्या करेंगे यहाँ हम 40 लिखेंगे बच्चों, और यूनिट प्लेस को फिर हम मार्क कर लेंगे। अब ये बच गया, इसे हम क्या करेंगे बच्चों 3 है तो 3 का हम 3 लिख लिए, और ये जो 14 है 14 का टेंथ प्लेस पर क्या बच गया 1, तो ये 1 हम इसमें ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 1 4। अब हम लिखेंगे जो भी हमने मार्क किया है सारे नंबर को लिख लेंगे, तो पहले हमको किसका निकालना था 67 का स्क्वायर निकालना था, तो हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पहले इस 4 को लिखेंगे फिर इस 4 को लिखेंगे इस 4 को, फिर 8 को मार्क किए थे फिर 9 को मार्क किए थे, ये आपका आंसर। चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों, 6 क्वेश्चन छठा क्वेश्चन है 86 का स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे हम आपको इसे पहले क्वेश्चन में बता दिया है कि 4 बॉक्स बनाएंगे और चारों बॉक्स को सब बॉक्स कर लेंगे सब डिवाइड कर लेंगे, क्या है 86 तो 86 हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली दोनों लिखेंगे 86, और अब क्या करेंगे हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 64, 4 को यहाँ और 6 यहाँ, 8 6 48, 8 यहाँ
फोर यहाँ लिखेंगे। उसी तरह अब सिक्स से करेंगे, सिक्स एट जा 48, फोर यहाँ, एट यहाँ, एंड सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स यहाँ, थ्री यहाँ लिखेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को बताए हैं कि नीचे से जो ये डायगनल्स हैं एक एक करके हम सबको ऐड करेंगे। अब क्या करेंगे, ये सिक्स है, इस डायगनल्स के बीच देख रहे हैं सिक्स है, तो यहाँ हम सिक्स लिख लेंगे। इसे हम यूनिट, चूँकि यूनिट टेंस पर कुछ नहीं है, यूनिट है, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए ये डायगनल्स है एक लाइन, अब इस सारे को ऐड करेंगे, तो 83, 11, 11 और 8 क्या हो बच्चों 19, तो यहाँ हम 19 लिखेंगे और फिर यहाँ यूनिट प्लेस को मार्क कर लेंगे। अब फिर ये जो डायगनल्स बचा इसको हम ऐड करेंगे बच्चों। अब देखिए 4, 4, 4, 4, 3 जा 12, तो यहाँ हम लिख लेंगे 12। और बच्चों खास आप ध्यान रखिए, ये जो वन बचा टेंस वाला, ये हम यहाँ ऐड करेंगे, तो कितना हो गया 13, इसे भी हम मार्क कर लेंगे। अब ये इसका काम भी हो गया। अब बचा लास्ट ये, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, और ये जो बचा वन इसे हम यहाँ ऐड करेंगे, तो ये हो गया 7, इसे भी हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से जो जो मार्क किए हैं उसे हम लिखेंगे क्या, तो 86 का स्क्वायर इक्वल टू हम कह लेंगे पहले 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 3, फिर 9 एंड 6। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, 137 का स्क्वायर। अभी तक बच्चों हम लोग देख रहे थे 2 डिजिट का स्क्वायर देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं 3 डिजिट, 137 3 डिजिट का स्क्वायर, 3 डिजिट दिया हुआ है 137। तो जब 2 डिजिट था तो हम 4 कॉलम लिए थे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हम 4 बॉक्स लिए थे। अब देखिए 3 डिजिट है, 3 का स्क्वायर 3 है, तो इसका हम डबल करेंगे, स्क्वायर मतलब डबल, तो हम 6 बॉक्सेस लिए हैं, 6 बॉक्स लिए। उसी तरह जी हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे 137, 137, फिर इन बॉक्सेस को डिवाइड कर देंगे, सारे बॉक्सेस को डिवाइड कर देंगे। आप देख सकते हैं हम डिवाइड करें सारे बॉक्स को, सारे बॉक्स को सब बॉक्सेस बना देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जैसा कि इसे पहले क्वेश्चन में देखे थे क्या, मल्टीप्लाई करते हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मल्टीप्लाई करते थे। तो देखिए 1, 1 जब 1 होगा तो 1 हम कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ लिखेंगे, टेंस के प्लेस पर क्या है कुछ नहीं, तो 0। 1, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 3 कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, टेंस प्लेस पर क्या होगा कुछ नहीं, तो 0। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7, टेंस प्लेस पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 0। अब हम इससे करेंगे इस बॉक्स के लिए, इससे अब देखिए 3, 1 जा 3, टेंस प्लेस पर 0, 3, 3 जा 9, टेंस प्लेस पर 0, 3, 7 जा 21, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 7, 1 जा 7, इस बॉक्स में 0, 7, 3 जा 21, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 7, 7 जा 49, 9 यहाँ, 4 यहाँ। अब क्या करेंगे बच्चों, एकदम घबराइए मत, अब सेम जो वर्टिकल है सबको हम ऐड करेंगे, जो वर्टिकल लाइन हम दिए हैं सब में, सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखिए ये 9 का 9 हो गया, इसके सामने नीचे हम मार्क कर लेंगे। अब देखिए बच्चों इस वर्टिकल ये लाइन आ रहा है, ये सीरीज ओपन रहा है, तो इसको हम ऐड कर लेंगे 1, 4, 5, 1, 6, इसके सामने 6, इसको हम मार्क कर लिए। अब हमारे पास ये लाइन बच रहा है, आप देख सकते हैं ये लाइन, तो 7, 2, 9, 9, 9, 18, 18, 2, 20, 2, 27, बच्चों इस कॉलम के साथ हम 27 लिखेंगे, 7 यूनिट प्लेस पर है, उसको हम मार्क कर लिया। अब ये होने के बाद ये लाइन बचती है, इसमें देखिए 3, 3, 9, बच्चों हम क्या करेंगे 9 यहाँ लिखेंगे, ये 2 है, ये 2 क्या करेंगे हम इसमें ऐड कर देंगे, सो क्या हो जाएगा 9, 2, 11, इसमें भी वंस प्लेस पे जो है उसे हम मार्क कर लेंगे। अब हम इसको देख रहे हैं बच्चों इसमें क्या है, 1 है, तो 1 का 1 ही रह गया ये, आप देख सकते हैं। और क्या करेंगे, तो देखा बच्चों 3, 3, 6, और ये टेंस प्लेस पर 2 था, तो ये 2 हो गया, तो 6 और 2, 8 हो गया, 8 को भी हम क्या किए मार्क कर लिए। अब इसमें कितना बच गया,
क्या बचा इसमें? वन। क्या बचा इसमें? वन। इसमें क्या बचा? जीरो। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी वंस प्लेस पर हम लोग मार्क करते हैं उसे नोट क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ वन है, वन लिख लिए। एट है, एट लिख लिए। सेवन है, सेवन लिख लिए। सिक्स है, सिक्स लिख लिए। नाइन है, नाइन लिख लिए। इस तरह बच्चों हमने इस एक्सरसाइज के सेवन क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि उसका आंसर क्या आया। फिर हम लोग नेक्स्ट डे अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।